देखो आज हम लोग एक्सरसाइज चैप्टर नंबर कितना 12 डिस्कस करेंगे। क्या चैप्टर का नाम? ब्रिज से संबंधित। ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे, मतलब सर्कल से रिलेटेड जो भी एरिया होगा उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। वो सिंपल सा बात है कि एरिया ऑफ सर्कल हम लोग क्या जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। नॉर्मल फॉर्मूला हम सभी जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर। हम सभी जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन इस वृत्त के अंतर्गत बहुत ऐसे भी पार्ट आते हैं जिसका एरिया निकालना सीखेंगे अब इस चैप्टर में। जैसे सपोज दैट, मान लो कि कभी पूछ दिया ऐसा कुछ कि इस पार्ट का एरिया क्या होगा, तो उस स्थिति में हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमें उस स्थिति में इसका वैल्यू दिया होगा थीटा, कोण पता होगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र पे टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है, उसी में से यह एक थीटा वन है या थीटा कोई कोण है। यहाँ 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री, कोई भी एंगल हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करें, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। तो ये बना है क्या, जिससे त्रिज्या त्रिज्या मिल बना है, इसका नाम होगा त्रिज्य खंड। क्या नाम होगा? त्रिज्य खंड। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिज्य खंड में भी दो पार्ट आते हैं। त्रिज्य खंड का अगर हम बात करते हैं तो त्रिज्य खंड दो प्रकार के होते हैं। त्रिज्य खंड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दोनों त्रिज्य खंड का नाम हम बता रहे हैं क्या होगा। तो ये त्रिज्य खंड देखने में छोटा है, जिसको कहेंगे लघु। ये हिस्सा को अगर देखे तो ये बड़ा हिस्सा दिख रहा है, जिसको कहते हैं दीर्घ। क्या कहेंगे? दीर्घ त्रिज्य खंड। तो लघु त्रिज्य खंड और क्या होता है? दीर्घ त्रिज्य खंड। लघु त्रिज्य खंड और बड़ा हिस्सा को क्या कहते हैं हम लोग? दीर्घ त्रिज्य खंड। क्या कहते हैं? दीर्घ त्रिज्य खंड। लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड। तो ये हिस्सा जो देखो हम अलग करके बता ही रहे हैं, एक सर्कल है, इस सर्कल में ये जो हम शेडेड पार्ट कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं जो पार्ट, यह पार्ट को क्या कहेंगे हम लोग? लघु। क्या कहेंगे? लघु त्रिज्य खंड। क्या कहेंगे? लघु त्रिज्य खंड। लघु मतलब छोटा। एक और सर्कल हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर एक बड़ा पार्ट छोड़ दे रहे हैं, जैसे ये बड़ा पार्ट है, तो इसका इसके बारे में क्या कहेंगे? तो यह कैसा पार्ट है? दीर्घ है। क्या पार्ट है? दीर्घ। तो दीर्घ त्रिज्य खंड कहेंगे। तो क्या कहेंगे? दीर्घ त्रिज्य खंड, मतलब बड़ा सा हिस्सा है। इस सर्कल का यह बड़ा पार्ट हो गया, ये छोटा पार्ट हो गया, तो छोटा पार्ट को कहेंगे लघु, बड़ा पार्ट को कहेंगे क्या? दीर्घ। अब इसके बारे में जानेंगे कि इसका एरिया कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो कॉन्सेप्ट के साथ समझना, एक सर्कल लेते हैं हम लोग, और सर्कल को अगर हमें दो इक्वल पार्ट में बांटना है तो बनता है सेमी सर्कल, अर्धवृत्त। जब ये अर्धवृत्त बन रहा है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अर्ध का क्या हो जाएगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, आधा का 1/2 पाई आर स्क्वायर। देखो ये थीटा से रिलेटेड बात है, हम बोले थे सेंटर पे बनता है 360 डिग्री एंगल, और यहाँ पे बना कितना? 180 डिग्री। कितना बना? 180। तो 180 डिग्री बाय 3 हो। हम बता रहे थे इस सर्कल को अगर दो इक्वल पार्ट में बांटते हैं तो क्या हो जाता है? सेमी सर्कल बन रहा है, नहीं मतलब अर्धवृत्त बन रहा है। तो अर्धवृत्त वृत्त का क्षेत्रफल हम जनरली क्या जानते हैं? कि पाई आर स्क्वायर होता है। जब अर्ध का बात करेंगे तो दो से डिवाइड कर देते हैं तो ये बनता है। तो इसको हम बताएंगे कि इसको हम इस फॉर्मूले पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इस पे थीटा बट्टा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पर कितना वैल्यू पुट कर सकते हैं? देखो एक सरल रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है? 180। यहाँ थीटा की जगह पर क्या पुट करेंगे? 180 बाय 360 और पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला तुम्हारा क्या बना? वही आ गया 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हम बात कर रहे थे लघु त्रिज्य खंड का और दीर्घ त्रिज्य खंड का। लघु मतलब होता है छोटा और दीर्घ मतलब होता है क्या चीज? बड़ा। तो लघु छोटे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग को याद रखना, थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जबकि दीर्घ का जब बात करेंगे तो देखो ध्यान समझना, दीर्घ का इसको अगर हम लोग थीटा माने हैं तो ये क्या हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। सेंटर पे 360 डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ पे थीटा एंगल है, थीटा माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 360 माइनस थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। अब तुम लोग के मन में ऐसा विचार उत्पन्न हो रहा है, डिग्री कहाँ गया?
डिग्री ऊपर नीचे दोनों था, कैंसिल हो चुका है, ठीक है, तो उसको लिखा नहीं जाता है, मेंशन नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है। या दूसरा तरीका यह भी हम सोच सकते हैं कि अगर हम इस सर्कल में से, ध्यान समझना, इस सर्कल में से ये छोटा पार्ट को माइनस कर दे तब भी हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, मतलब सर्कल कह दिया माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये भी तरीका हो सकता है दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालने का, ये भी तरीका हो सकता है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जब बात करेंगे तो हम ये भी लिख सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये भी कॉन्सेप्ट सही होगा मेरा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, में से माइनस कर देंगे लघु, लघु के लिए फॉर्मूला क्या है, थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर, तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दो तरीका हो सकता है, या इसके लिए फॉर्मूला हम ये भी बताए हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, 360 माइनस थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर, तो ये भी हो सकता है, नहीं तो दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं हम लोग। लघु के लिए क्या करेंगे, थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। अब चलो इसमें आते हैं हम लोग दूसरा पार्ट का, जब बात करते हैं, जैसे ये सर्कल है मेरा, ठीक है, ये सर्कल है मेरा और इस सर्कल का हमें एरिया निकालना है, ये इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सर्कल को हिंदी में कहते हैं वृत्त, ये वृत्त का एक टुकड़ा, तो इसको कहते हैं वृत्त का खंड। तो वृत्त का खंड कैसा खंड है, ये छोटा है या बड़ा, छोटा है, तो इसको कहेंगे लघु वृत्त खंड। क्या कहेंगे, लघु वृत्त खंड, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करो इसके, इसके बारे में सोचो, अगर इसको इससे मिला दे, इसको इससे मिला दे, तो तुम लोग को ये पूरा एरिया का पूरा भाग देखेंगे तो कैसा दिखेगा, त्रिज्यखंड जैसा दिखेगा, नहीं पूरा भाग लघु त्रिज्यखंड, और उस त्रिज्यखंड में से इस ट्रायंगल को हम लोग अगर माइनस कर देते ये एरिया निकल जाएंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, त्रिज्यखंड में से इस ट्रायंगल को जैसे ही माइनस करेंगे तो ये हमें खंड निकल जाएगा। आ रहा है बात समझ में, कि हम इस त्रिज्यखंड में से ये ट्रायंगल को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, इसका नाम क्या होगा, लघु वृत्त खंड, क्या नाम होगा, लघु वृत्त खंड, नाम से स्पष्ट है, लघु मतलब छोटा, वृत्त मतलब वृत्त, अखंड मतलब होता क्या, टुकड़ा, तो मतलब वृत्त में से छोटा सा जो टुकड़ा निकाले उसको क्या कहेंगे, वृत्त का खंड कहेंगे। इस वृत्त खंड का एरिया क्या हो सकता है, तो हम बोल सकते हैं ना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस ट्रायंगल का क्षेत्रफल, नहीं अगर ट्रायंगल का नाम पूछ देते, इसका नाम देते ओ ए, ये बी दे देते हैं और यहाँ पे मान लेते पॉइंट सी है, इसके एरिया के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, इस स्थिति में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखना हमें 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, जहां हमें थीटा का वैल्यू पता होगा, ये थीटा एंगल। अब बात करेंगे दीर्घ का, अगर इसी का बात करें, इसी सर्कल, ये मेरा छोटा पार्ट है, तो ये जो शेष बच गया कौन पार्ट होगा, बड़ा पार्ट। इसके बारे में दो तरह से सोच सकते हैं, कह सकते हैं क्या, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दैट मीन्स क्या, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल नहीं होगा, तो इसके बारे में हम क्या, ये है क्या, दीर्घ वृत्त खंड, इसके बारे में क्या बोल सकते हैं हम लोग, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, बोल सकते कि नहीं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ये जान लेना तुम लोग, ये
यही फॉर्मूला वहां जाके पुट करेंगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको ब्रैकेट में रख देंगे, क्या लिखेंगे, थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और इस प्रकार हम दीर्घ का भी निकाल सकते हैं। समझ आ रहा है बात कि दीर्घ का हम कैसे निकालेंगे। चलो तो आगे बात करते हैं हम लोग। तो देखो ये सब बात होने के बाद कुछ ऐसा भी बात आता है, अगर हमें फाइंड आउट करना हो चाप की लंबाई जिसको कहते हैं आर्क, ठीक है, लघु वृत्तखंड की लंबाई, वृत्तखंड सॉरी लघु त्रिज्यखंड की लंबाई हम कैसे फाइंड आउट करें दीर्घ का। तो ध्यान देखना, जब लंबाई का जब बात कर रहा है तो ये क्या है, एक सर्कल है, और सर्कल का ये क्या है तो परिधि है ना, परिधि। तो परिधि में से ही कोई लेंथ होता है उसका आर्क, जिसको हम लोग कहते हैं चाप। तो इसमें देखो ध्यान से, हमें अगर फाइंड आउट करना हो यहां से यहां तक का लेंथ क्या होगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो लिया गया किस पार्ट से, परिधि से लिया गया है। तो परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि होता है ना, टू पाई आर होता है, और यहां पे कोई एंगल थीटा होगा, ठीक है। तो थीटा बट्टा 360 मल्टीप्लाई 2πr करेंगे तो हमें यहां से यहां तक का चाप का लंबाई पता चलेगा। तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, ये कैंसिल होकर क्या देगा, थीटा बट्टा 180πr। समझ आ गया। तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि वृत्त की अगर हमें परिधि ज्ञात हो तो हम इसका लेंथ ज्ञात कर सकते हैं। बड़का का लेंथ निकालने के लिए दो तरीका हो सकता है, एक तो बोल सकते हैं सर्कल का परिधि माइनस लघु चाप, माइनस करेंगे तो दीर्घ चाप निकल जाएगा, नहीं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, क्या चीज, लघु चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, तो फॉर्मूला क्या बन गया, थीटा बट्टा 180 पाई आर। दीर्घ का बात करेंगे तो क्या होगा, दीर्घ चाप की लंबाई, तो हम दो तरह से सोच सकते हैं, वृत्त की परिधि ऐसे भी सोच सकते हैं, वृत्त की परिधि जिसको कहते हैं हम लोग सरकमफ्रेंस माइनस थीटा बट्टा 180 पाई आर, ये बोल सकते हैं। या दूसरा क्या फॉर्मूला बन सकता है मेरा, ध्यान देखना, अगर ये थीटा तो यहां से यहां तक मेरे पास बच जाता 360 माइनस थीटा, नहीं ये भी बन सकता है फॉर्मूला, थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, 360 माइनस थीटा बट्टा 180 पाई आर, इससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसका। नहीं अगर इतना चीज जानते हो तो चैप्टर का हर एक क्वेश्चन बनेगा, कुछ फॉर्मूला और भी है इसमें याद रखना हम लोगों को, किस त्रिभुज जो होता है एक समबाहु त्रिभुज उसका भी यूज होने वाला है इसमें। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु नाम से स्पष्ट है, समान हो बाहु भुजा जिसका, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, इसका यूज होगा इसमें, ठीक है, √3/4 भुजा स्क्वायर इसमें यूज हो सकता है, और भी कुछ, वो क्या, वर्ग का क्षेत्रफल यूज होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। कुछ फॉर्मूला और भी यूज होंगे तो क्वेश्चन बताएंगे उस समय हम कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।